अरे वो कोई और ही होंगे जो डरते होंगे तुझसे, कि वो कोई और ही होंगे जो डरते होंगे तुझसे, मुझे मत सोचियो डराने की, और बेटा बात अगर यारों पे आई ना तो फाड़ के रख दूंगा जमाने की। जहाँ ईमान पे उंगली उठ जाए वो काम नहीं करते, कि जहाँ ईमान पे उंगली उठ जाए वो काम नहीं करते, और बेटा लगा लो पूरी दम, ऊपर वाले के अलावा किसी के बाप से भी नहीं डरते। हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड, आप सभी का नमस्कार। आप अच्छा होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में आपको इस चीज़ का बात करने वाले हैं, जैसे कि मैं आया हूँ रेंज मतलब जानते होंगे बगीचा। ये बगीचा है, ये पेड़ लगा हुआ है, हर चीज़ का है, लेफ्ट है, शीशम है और वगैरह वगैरह बहुत सा सारा है। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जैसे कि आपको ले चलते हैं, जो चीज़ मैंने दिखाने वाले हैं आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं। आप पहचानते होंगे तो कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये चीज़ का फूल है या ये चीज़ का पेड़ है या चीज़ का जो भी है, आप सही से बताइएगा। अगर आप पहचानते होंगे तो आ गए हैं और आपको अब दिखाने वाले हैं। देखिए ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये देखिए ये क्या चीज़ का फूल है। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि ये चीज़ का फूल है या ये है या वो है। आप ये पेड़ पहचानते होंगे तो बताइएगा कमेंट में कि ये चीज़ का पौधा है, वही चीज़ का ये फूल है। अभी आपको और चीज़ दिखा रहे हैं, बहुत सा सारा यहाँ पर हर चीज़ का पेड़ है, ये वगैरह वगैरह बहुत सा सारा है। हम भी नाम नहीं जानते हैं काहे का है, तो लेफ्ट के जानते हैं, शीशम के जानते हैं, ये तो पहचानते होंगे ये क्या चीज़ है। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा भैया। और है आपको और ले चलते हैं और नज़दीक, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, तो बहुत सारा है पेड़ और पता नहीं क्या क्या है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये देखिए, इसको आप पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए नज़दीक से, हम लोग इसको दूध कोरिया कहते हैं, आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा। इसको दूध कोरिया हम लोग कहते हैं, हमारे गांव में यही बोला जाता है और इसी नाम से इसको बताया जाता है। और आपको ले चलते हैं, और बहुत सा सारा यहां पर है पेड़ पौधे आपको दिखा रहे हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको तक पहुंच जाए। ये देखिए आपको दिखाने वाला है ये पौधा, ये देखना ना बहुत बड़ा है, ये देखिए। ये बताइएगा कमेंट में क्या चीज़ का पौधा है। हम लोग इसको लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट, हम लोग लेफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है, हम लोग देन बोलते हैं इसको लेफ्ट। आपको आप जो भी चीज़ बोल रहे होंगे कमेंट में बता दीजिएगा क्या ये चीज़ का है, ये इसको हम ये चीज़ से जानते हैं। और आपको ले चलते हैं, और चीज़ है यहाँ पर बहुत सारा, आपको सब चीज़ आज यहाँ पर जो पौधा है जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक आपको दिखाने वाले हैं। ले चलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। मैं ऐसा ऐसा वीडियो हरदम लाता रहूँगा, आपको नए तरीके से बताऊँगा, ये चीज़ है वो चीज़ है, आपको हर चीज़ जानने का मिलेगा, हर चीज़ पौधा पहचान सकोगे। ये देखिए आप लोग इससे जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं शीशम, हम लोग शीशम के नाम से इसको जानते हैं। ये देखिए हम लोग शीशम के नाम से इसको जानते हैं। आप
कौन सा नाम से इसको जानते हैं आप बता दीजिएगा कमेंट में, और ब्लॉग में जुड़े रहिए, आपको और चीज़ दिखाने वाले हैं हम। ये तो जानता ही है, ये पुटुस है जो आपको अभी दिखाए थे फर्स्ट में, पुटुस का, पुटुस के ही नाम से जानते हैं, हमको भी ख्याल नहीं था, अभी ख्याल आया। और आपको ले चलते हैं मैं छोटा से लेके बड़ा तक हर चीज़ का ही बताऊंगा, आपको हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं लास्ट तक आपको जहाँ तक मैं जाऊंगा वहाँ तक आपको हर चीज़ का बताता रहूंगा। और देख रहे हैं यहाँ, वहाँ तक फूल ही आपको दिखाए थे, यहाँ पर देखिए आपको इसमें फल भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये इसमें फल भी लगा हुआ है जो इसमें छोटा छोटा दाना होता है, पकता है तो हम लोग इसको खाते हैं भी, काला काला होता है, पक जाने पर काला काला हो जाता है, इसको हम लोग खाते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग खाते हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो लास्ट तक देखिए, अभी आपको बहुत सारा चीज़ दिखाने वाले हैं। ये देखिए इधर में बहुत सारा वृक्ष है, देखिए घना है इधर, ये लेफ्ट साइड के ही पेड़ है, मैं लेफ्ट साइड के पास फिर आ गया, आपको इधर दिखाने वाले हैं। देखिए इधर देखिए बहुत सारा इधर पौधा, एक मैं ये पौधा आपको नहीं बताया, ये देखिएगा, ये जानते हैं ये वाला, हम लोग इसको बहुत पहले, आज नहीं 2015-16 में हम लोग इसको इसका साग खाए हैं, अभी तो फिलहाल नहीं अब खाते हैं, अब इसको गांव में उतना उत्पादन नहीं होता है, ये उतना जामता उमता नहीं है, पहले बहुत जाम रहा था, इसको खोटने के लिए लोग ऐसे इसको हंसुआ से काट काट के खोट के ले जाते थे, खोसा में या डाली में या कुछ में भी आदमी इसको ले जाकर सिझा कर साग बना रहे थे, अब इसको नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग खाए हैं, इसका नाम जानते हैं आप, इसका नाम है चकवर, अगर आप दूसरा नाम से इसको जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाकर डालता रहूँगा, तब तक के लिए बाय।